नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पावर ट्रैक का हीरो 55, जो कि एक 55 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है। तो क्या कुछ इस ट्रैक्टर के अंदर फंक्शन है और इस साल जो है ट्रैक्टर में क्या बदलाव किया, हर चीज़ की जो है आपको आज जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डीजल सेवर प्लस। जो इस ट्रैक्टर में जो डीजल की खपत है वो बहुत ही कम है इस ट्रैक्टर के अंदर। पावर हाउस के नाम से जो है ट्रैक्टर दिया है, 5 स्टार की जो है कंपनी ने अपनी तरफ से इस ट्रैक्टर को रैंकिंग दी हुई है, आप लोग देख सकते हो। बाकी फ्रंट से अगर लुक की बात करें ट्रैक्टर की, आप देख सकते हो पावर ट्रैक का जो बम्पर है वो कंपनी PTD कंपनी अपना बम्पर देती है। एक हुक्का भी दिया हुआ है जैसे टोचन वगैरह के लिए कंपनी ने दिया हुआ है। नंबर प्लेट भी आप अपने बम्पर के ऊपर लगा सकते हो, उसके लिए भी दिया हुआ है कंपनी ने। साइड में दो जैसे सिल्वर कलर की वो दी हुई है। तो बहुत शानदार तरीके से कंपनी ने जो है अपना बम्पर डिज़ाइन किया हुआ, आप लोग देख सकते हो। और लाइटों की जो मतलब दे रखी है डिज़ाइनिंग, बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने अपनी लाइटों की जो डिज़ाइन दी हुई है। जाली के ऊपर आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से पट्टी जो है डिज़ाइन की हुई है। बाकी खुली जाली दी हुई ट्रैक्टर के अंदर, देख सकते हो आप साइड में लाइट दी हुई ट्रैक्टर की। बाकी एक्सल की बात करें तो आप लोग देख सकते हो स्टेट जो है इस ट्रैक्टर का आपको एक्सल मिल जाएगा। काफ़ी हैवी एक्सल दिया हुआ है ट्रैक्टर के अंदर और पावर स्टेयरिंग में ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। आगे टायरों की बात करें तो आपको 750/16 के जो है साइज के इस ट्रैक्टर के अंदर आपको टायर मिल जाएंगे। 3 सिलेंडर का वाटर कूल्ड इंजन जो है इस ट्रैक्टर के अंदर दिया हुआ है। बोस कंपनी का जो है इस ट्रैक्टर के अंदर इनलाइन पंप दिया हुआ है जो एक प्रेशर के लिए दिया हुआ है। बाकी वाटर सेपरेटर भी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। एक डीजल फिल्टर दिया हुआ है नीचे, आप लोग देख सकते हो। और टूल बॉक्स है वो साइड में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही मजबूत जो है टूल बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आप अपने टूल्स वगैरह रख सकते हैं। और जो प्लेटफार्म वो ट्रैक्टर का आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल खुला जो है ट्रैक्टर के अंदर आपको प्लेटफार्म दिखाई देगा, जिससे आपका समतल सा जो प्लेटफार्म दिया हुआ है जैसे आप लंबे समय तक ड्राइव करते हो तो। और बाकी ऊपर से आप लोग जब देखोगे ट्रैक्टर को तो कुछ ऐसा इस प्रकार का ट्रैक्टर आपको दिखाई दे। मीटर देख सकते हैं आप, डिजिटल जो है ट्रैक्टर के अंदर मीटर दिया हुआ है जिसमें आप अपने फ्यूल, कितना टेम्परेचर है ट्रैक्टर का, RPM वगैरह, कितने घंटे चलाया, हर चीज़ की जो है जानकारी आप मीटर में ले सकते हो। बाकी नीचे चार्ट भी दिया हुआ है कंपनी ने जिसमें आप जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर जैसे इम्प्लीमेंट के लिए चलाते हो तो उसके लिए गेयर्स देख सकते हो आप। तो इसके लिए जो है कंपनी ने दी हुई जानकारी कुछ। बाकी स्टेयरिंग है, छोटा स्टेयरिंग दिया हुआ है बिल्कुल ट्रैक्टर का, आप आराम से एक हाथ से जो है घुमा सकते हो। अपना लोगो दिया हुआ है स्टेयरिंग के अंदर ही कंपनी ने। और साइड में जो है पार्किंग के दिए हुए हैं जिससे आप अपनी पार्किंग कर सकते हो, देख सकते हैं आप पार्किंग के लिए। तो ये चीज़ है। बाकी प्लेटफार्म देखिए आप, मतलब कितना खुला प्लेटफार्म है ट्रैक्टर के अंदर, बिल्कुल आराम से ड्राइविंग कर सकते हो, बिल्कुल समतल प्लेटफार्म जिसे बोलते हैं। और ऑयल में डूबे हुए ब्रेकों के साथ जो है ट्रैक्टर दिया हुआ है। डबल क्लच के अंदर आपको ट्रैक्टर एम मिल जाएगा जिसमें आपको जैसे रोटावेटर जैसे इंप्लीमेंट चलाते हो उसके लिए हॉर्न का जो है ऊपर दिया हुआ है, लाइटिंग का इसके नीचे मिल जाएगा। और एक स्टार्टिंग और बंद करने का ट्रैक्टर दोनों ही जगह है, एक ही जगह है। और इसमें आपको जो है 4 फॉरवर्ड जो गियर्स दिए हुए हैं देख सकते हैं आप, पोजिशन और ड्राफ्ट लीवर जो है साइड में दिए हुए हैं जिससे आप अपने कल्टीवेटर जैसे इंप्लीमेंट, बुआई मशीन आदि यहाँ से आप एडजस्ट आराम से कर सकते हैं। एक लीवर दिया हुआ है लिफ्ट का जो पीछे आप देख सकते हो, जिससे आप अपनी लिफ्ट वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए भी अलग लीवर कंपनी ने दिया हुआ है। नीचे देख सकते हो एक क्लिच दी हुई है अलग से। बाकी लिफ्ट दी हुई है, लिफ्ट लॉकिंग सिस्टम, यहाँ से आप अपने ब्रेकिंग का लॉक कर सकते हैं, तो इसके लिए भी अलग लीवर दिया हुआ है। हर चीज़ का मतलब अलग अलग लीवर दिया हुआ कंपनी ने, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो हाई लॉक का जो साइड में दिया हुआ है। बाकी एक नंबर प्लेट दी हुई जिसमें आप अपने मैनुफैक्चरिंग डेट, PTO वगैरह की जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। और 55 HP कैटेगरी के अंदर जो है ट्रैक्टर की वो स्टिकर लगाया हुआ है कंपनी ने अपने मड गार्ड्स के ऊपर। और जो इंडिकेटर डिज़ाइन है देखिए, एक बीच में रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके जो है इंडिकेटर डिज़ाइन किए हुए कंपनी ने। टायर देखिए आप, टायर थोड़े से ये लगा लो, बाहर भी निकले हुए हैं मड गार्डों से। पीछे एक लाइट दी हुई जैसे रात को आप काम करते हैं तो उसके लिए यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हो। बहुत ही मतलब शानदार कलर के साथ लाइट दी हुई है। दो आपको जो है वॉल मिल जाएंगे जैसे आप अपने डंपर वगैरह कनेक्ट आसानी से कर सकते हो, कंपनी फिटेड आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी इस ट्रैक्टर के अंदर। 3 जो है सेंसिंग के साथ इसकी लिफ्ट दी हुई है, 2000 kg के लगभग आपको इस ट्रैक्टर के अंदर जो है लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। बाकी एक इलेक्ट्रिक का सॉकेट दिया हुआ है जिसमें आप पीछे लाइट ले जाना चाहो तो यहाँ से ले जा सकते हैं। नीचे एडजस्टेबल दिया हुआ है, काफ़ी जो है हैवी लिफ्ट ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाएंगी। और हिच जो है काफ़ी मतलब मजबूत हिच जो है कंपनी देती है अपनी तरफ से। बाकी जो खास बात है ट्रैक्टर के अंदर 5 ईयर्स यानी 5000 घंटे की जो है वारंटी ट्रैक्टर के अंदर
आपको मिल जाएगी, जिसमें अगर कोई ट्रैक्टर में दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए बहुत बढ़िया जो है कंपनी ने ये चीज़ दी हुई। नंबर वन सेंसिंग जो है कंपनी लिफ्ट के लिए बताती है तो उसके लिए दिया हुआ है। बाकी जो देख सकते हैं आप, मतलब एडजस्टेबल सीट जो है बहुत ही मतलब एडजस्टेबल के साथ जो रिलैक्सिबल सीट दी हुई है कंपनी ने, और एक जो है लिफ्ट के लिए जो है फिल्टर दिया हुआ है। देख सकते हैं आप कितनी शानदार लुक के साथ जो है ट्रैक्टर को कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है। काफ़ी हैवी फुटरेस्ट दिए हुए हैं साइड में ट्रैक्टर के अंदर।